हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आप वोटर आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं 5 मिनट में। तो ये सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वोटर हेल्पलाइन, ये गवर्नमेंट का ऐप है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका लोगो आप ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके का लोगो है इसका। ये तो मैंने इसको पहले ही डाउनलोड कर देता, मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखा देगा, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये लोड दे रहा है, आपको नेट ऑन रखना है, अपना नेट से चलता है। तो इससे आप ऑनलाइन अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हो बिना किसी झंझट के घर बैठे। तो यहाँ पर नीचे गोला सा आ जाएगा वोटर आईडी कार्ड का, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऑनलाइन फॉरम पे क्लिक करना है, फिर अप्लाई न्यू ऑनलाइन, फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन न्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिख जाएंगी, इनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एनसीटी ऑफ दिल्ली, और नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट में मेरा नॉर्थ वेस्ट पड़ता है, जो भी आपका पड़े वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे वाला आपका ऑटो में आ जाएगा, ऑटो हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, तो मैं ये लिख देता हूँ। जैसे मेरा नाम राहुल है तो मैं राहुल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सरनेम डालना है, सिर्फ आपको पहली रो में डालना है और हिंदी में अपने आप हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल देना। फिर यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना है, जो भी डालना है आपको डाल देना। उसके बाद मेल कर देना है, और यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल, उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं अपना, और यहाँ पर क्लिक कर देना हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम सिटीजन ऑफ इंडियन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन करना है। नेक्स्ट ऑप्शन करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हाउस नंबर डालना है, 34, 138, बता जो भी है। यहाँ पर आपको एरिया डालना है, जो भी आपका एरिया पड़ता है, नियर एरिया का क्या नाम है आपके, और यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा। फिर यहाँ पर टाउन विलेज डालना है, टाउन विलेज डालने के बाद फिर उसके नीचे हिंदी में हो जाएगा जो रीजनल लिखा है। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस क्या पड़ता है आपका, नियर बाई पोस्ट ऑफिस डाल देना है। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस भी हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे पिन कोड मिल जाएगा, 11,7,8,9 जो भी आपका होता है। फिर नीचे आपको यहाँ पर डेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आज की डेट ही ध्यान देना। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर सेम एस कर देना, इस पर क्लिक कर देना, और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना। फिर आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, 3 नंबर के बाद आप 4 नंबर पर आ जाएंगे। 4 नंबर पर देखिए, 4 नंबर पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना फैमिली की डिटेल देनी है। इसमें आपको अपने फादर का या मदर का नेम लिखना है ऊपर फैमिली डिटेल में। तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम लिख दीजिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कुछ भी। अभी आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो आप वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर कुछ भी लिख देना फादर नेम। और यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है अपने फादर का लास्ट नेम। लास्ट नेम लिखने के बाद वो जो भी लिख देते हैं, हम कुछ भी लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो उसके बाद ये देखिए, और यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएगा एक टाइप ऑफ रिलेशन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका रिलेशन है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सन, डॉटर, ब्रदर, फादर इन लॉ, तो यहाँ पर मैं फादर क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ऑटो ट्रांसलेट करेगा ये शर्मा को, तो उसमें कुछ टाइम लग सकता है, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, डिसेबिलिटी इफ़ एनी टिक ऑफ बॉक्स। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, नीचे 3 ऑप्शन हैं, इन तीनों में से कुछ नहीं क्लिक करना, तो यहाँ पर ठीक है आपको। फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो भी यहाँ पर थोड़े सेकंड वेट लेना है ना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें आ जाएंगी। 5वें नंबर पर आप ध्यान रखना, ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, देखिए अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो आप उसमें लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए, इसमें आपको फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है, इस पर क्लिक कर दीजिए आप, सिंपल गैलरी खुल जाएगा, इसमें जाके आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, क्लिक कर देना अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है एक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th और 8th और 5, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार लेटर इशूड बाई उदय, आधार लेटर इशूड बाई उदय। तो इस पर, और यहाँ पर नीचे देखिए, इसमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट करके क्लिक कर देना। जैसे मैं मार्कशीट कर लेता हूँ या पैन कार्ड कर लेता हूँ। उसके बाद पैन कार्ड की आपको यहाँ पर फ़ोटो डालनी है एज प्रूफ के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे देखना आएगा एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ में आपने पैन कार्ड दे दिया या मार्कशीट दे दी, जो भी ऑप्शन है इसमें। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक, राशन कार्ड, इनकम टैक्स, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, टैक्स, इसमें से जो भी आपको
ऑप्शन मिल जाएगा उस पर कर देना। तो मैं यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको बैंक की पासबुक की जो नंबर लिखा रहता है अकाउंट नंबर, उस पेज पे सारी डिटेल होती है, उसको आपको पोस्ट कर देना है। वरना आप यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर दीजिए, अपलोड पे जाइए, अपलोड कर दिए पिक्चर क्लिक करके, यहाँ पर भी क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपका ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका लास्ट सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका यहाँ पर फिर जाके आप बैक में जाके आप, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए, फिर जब आप यहाँ पर चेक करेंगे नीचे चेक फॉरम स्टेटस, इस पर क्लिक करना आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना जो भी आपका रेफरेंस नंबर है उसको डालना, जो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अप्लाई करने के बाद एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को यहाँ पर डालना है आपको। उसको डालने के बाद आप देखिए ट्रैक पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐसी आपकी कुछ डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ग्रीन कलर के चार ये पांच ये टिक दे रखे हैं। तो जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको पहला टिक मिल जाएगा ऐसा ग्रीन कलर का, बाकी नीचे ब्लैंक ही रहेगा, गोला ही रहेगा। फिर जब आपको येलो अपॉइंटेड हो जाएगा तब हो जाएगा। तो इसी तरह आप अपना वो भी ट्रैक सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड कहाँ तक बन चुका है और कहाँ तक नहीं। जैसे ही आपका बन जाएगा तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको इपिक, एक इपिक नंबर जो वोटर आईडी कार्ड का होता है वो आपको मिल जाएगा। जो इपिक नंबर होता है उसकी मदद से आप भी देखिए चेक कर सकते हैं अपनी डिटेल। डिटेल चेक करने के लिए जैसे ही आपको मिल जाएगा यहीं पर आपको चेक करते रहना होगा। आपको एक महीना तक वोटर आईडी कार्ड आने का समय लगता है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च नेम इनरोलमेंट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च इनरोलमेंट करना है और यहाँ पर अपना इंटर इपिक नंबर पे इंटर अपना इपिक नंबर जो मिलेगा उस पर डाल देना। यहाँ पर आपकी सारी डिटेलें आ जाएंगी, जो भी आपका आधार कार्ड बना है, कहाँ कहाँ आपका वोटिंग पड़ेगा, कहाँ आपका कौन से स्कूल में आप वोट डालने जाओगे, कहाँ पर आपका वोटिंग सेंटर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और वोटर आईडी कार्ड आपके घर पर बाई पोस्ट आ जाएगा कुछ महीनों में ही, एक से डेढ़ महीनों में। इस टाइम इलेक्शन चल रहे हैं तो आपका जल्दी आ जाएगा। तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमने इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाया है और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक भी ज़रूर कर देना वीडियो में, और कमेंट करके बताना अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो।